दोस्तों, अरब देशों में गर्मी खूब पड़ा करती है और ये आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से पड़ती चली आ रही है, जिसका मेन वजह है ज्यादातर अरब देशों का रेगिस्तानी एरियाज में होना। करेंट टाइम में टेक्नोलॉजी के डेवलप हो जाने से अरब देशों के लोग गर्मी से बचने के लिए कूलर और एसी का यूज खूब करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आज से हजारों साल पहले जब एसी और कूलर जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तब यहाँ के लोग गर्मी को कैसे हैंडल करते रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि अरब देशों में उस जमाने में खूब सारा पेड़ भी हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। अरब देशों में कल भी पेड़ के नाम पे सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते थे और आज भी यही सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि उस जमाने में भी वहाँ के लोग गर्मी से बचने के लिए एसी का यूज किया करते थे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि करेंट टाइम का जो एसी है वो इलेक्ट्रिसिटी से चला करता है, जबकि उस जमाने का जो एसी था वह पूरी तरीके से नेचुरली चला करता था, जिसे उस जमाने में लोग इसे बादगीर के नाम से जानते थे। एक्चुअल में ये बागीर एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है हवा को पकड़ना। तो चलिए मैं आपको ईरान के यजद सिटी में ले चलता हूँ, जहाँ आज भी बहुत सारी ऐसी घरें मौजूद है जिसमें ये बागीर बने हुए हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये बागीर है क्या, कैसे काम करती है, इसकी शुरुआत कब हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। कंट्रीज में एक देश है ईरान, जिसका कैपिटल तेहरान है। कैपिटल तेहरान से अप्रोक्स 600 किलोमीटर की दूरी पे ये यजद सिटी लोकेटेड है, जहां आज भी बहुत सारी ऐसी इमारतें मौजूद है जिस पे ये बादगीर बनी हुई है। दिखने में ये सभी इमारतें काफी पुरानी मालूम पड़ती है। वहां के लोग इस बादगीर के बारे में बताते हैं कि ये टेम्परेचर को 10 डिग्री तक रिड्यूस कर देता है। वहीं इसकी जो डिजाइन है वो एक तरह से चिमनी के जैसा है, जो इमारतों के ऊपर बनी हुई नजर आ रही है। इस बादगीर में चारों तरफ से एयर आने के लिए बहुत सारी स्पेस छोड़ी गई है। वहीं आपको कुछ ऐसे भी बादगीर देखने को मिलेंगे जिसमें चारों तरफ स्पेस न छोड़कर कुछ ही तरफ स्पेस छोड़ी गई हो, क्योंकि एक्चुअल में इसका डिजाइन हवा के रुख को देखते हुए किया जाता था। ये ठंड हवा को खींचकर इमारत के अंदर ले आती है और ठंड हवा के दबाव की वजह से गर्म हवा इमारत से बाहर निकल जाती है, और इस गर्म हवा के निकलने के लिए भी एक छोटा सा स्पेस छोड़ा हुआ रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही होती है, ऐसे सिचुएशन में भी ये बादगीर गर्म हवा पे प्रेशर बनाकर उसे इमारत से बाहर निकाल देती है, जिससे घर के अंदर ठंडक बनी रहती है। और ये जो ठंडक बनती है वो पूरी तरीके से नेचुरली होती है, जिसका कंपेयर आप एसी के हवा से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेचुरल होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और तो और, यहाँ के लोग इस बादगीर के हेल्प से सिर्फ इमारत को ही ठंडा नहीं रखते थे, बल्कि इमारत के बेसमेंट तक तहखानों की हेल्प से हवा को ले जाकर एक नेचुरल कोल्ड स्टोरेज भी बना रखे थे, जहां पे ये लोग वैसे सामानों को रखा करते थे जिसके खराब होने की चांसेस ज्यादा होती थी। इस कोल्ड स्टोरेज का नाम वो लोग सर्द आब रखे थे, जो एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है ठंडा पानी। इस सिटी में आज भी बहुत सारे ऐसे पुराने लोग हैं जो कहते हैं कि बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, बेसमेंट के अंदर जाने से ठंड का एहसास होने लगता था। ये यजद सिटी की कुछ तस्वीरें है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां गर्मी कितनी पड़ती होगी। साल 2017 में यूनेस्को की तरफ से इस यजद सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। सिटी में बादगीर को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आया करते हैं और यहाँ के बने हुए आर्किटेक्चर का लुत्फ उठाते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।